पहचान ले और दुश्मन पहचान ले, ये भी अभी तक दुश्मन को नहीं पहचाने। हर चुनाव में जात बिरादरी में बंट जाएंगे, ये पालना उसके साथ है तो ये पालना प्रधान के साथ जाएगा और चुनाव हार रूम के घर बैठ जाते हैं। इस बार ऐसा मौका है और इस सरकार ने दिखा दिया है कि इस बार अगर आप चूक गए और ये सरकार दोबारा बन गई तो आपकी न जमीन बचेगी, न काम बचेगा, न धंधे बचेंगे, न फौज बचेगी, सबको खत्म कर देगी। और ये सिर्फ पार्टियों से नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बजाय इसके कि आप धरनों पर बैठो, मांग करो, छह साल भर धरनों पर बैठे रहो, तुम्हारे 700 लोग मर जाएं, कोई कंडोलेंस ना करे, जो नरेंद्र मोदी कुटिया भी मरती है तो उसके लिए शोक संदेश भेजता है, उसने 700 किसानों के लिए कोई संदेश नहीं भेजा। ये इसलिए है कि राज आपके हाथ में नहीं। मैं कंडेला गया था बिहार में, वहां भी मैं कह के आया हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि भिकमंगे मत बनो, मांगे रखना मत रखो, आप अपना राज बनाओ ताकि दूसरे लोग आपसे मांगे। आपका राज होगा तो दूसरे लोग आपसे कहेंगे कि चौधरी साहब हमारा ये काम कर दो। और ये मुश्किल नहीं है, अगर आप जात पात का झगड़ा खत्म करके गांव में सबकी खुशामद बरामद करके सारे गांव को एक मक्के में निकाल दोगे तो आप सौ की पूरी कामयाब हो जाओगे। देश में माहौल बन चुका है, तीन स्टेट और आ रही है, तीनों में ये हारेंगे और उसके बाद तो भगदड़ मच जाएगी। अभी इनमें इतनी घबराहट है कि कल की जो मीटिंग है नीतीश कुमार ने बुलाई है, सारे ओपोजिशन के लोग उसमें जा रहे हैं, उससे इतनी घबराहट है कि आज ही नीतीश कुमार के निकट सहयोगी मिस्टर चौधरी हैं, उनके घर रेड कर दी है। ये सिवाय रेड करने, छापे मारने, इसके अलावा ये कुछ नहीं जानते हैं इससे, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमसे तो कुछ है नहीं, हमारे करने में रेड, हमारे और रेड करने, हमारे तो इनको ही मिल जाएगा कि भाई इतने पैसे की देनदारी हो गई। तो मैं आपसे कहूंगा कि इकट्ठा हो जात बिरादरी छोड़ के और सब ये पानना वो पानना ये वो ये सब खत्म करके और सरकार का फैसला करो। और दिक्कत ये कि आपके फैसले तो हो जाते हैं, आप उन्हें लागू नहीं करते, लागू करने के लिए चार पगड़ी रह जाती है, कोई नहीं जाता फिर। ऐसा मत करो, फैसला करो तो फिर पूरी ताकत से लागू करो। इस बार फैसला करो कि दिल्ली का राज बदलना है और किसानों का राज बनना है। ये फैसला जिस दिन कर लोगे जिनके पैरों के नीचे की जमीन निकल जाएगी। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, दोनों पैरों में दिक्कत है। मैं जब ये किसान आंदोलन हुआ तो 10 दिन तक सोचता रहा, मैं गवर्नर था मेघालय में, कि मैं प्रधानमंत्री से उस मुद्दे में झगड़ा करूं कि ना करूं, क्योंकि दोनों नतीजे थे, लड़ने का एक नतीजा था और ना लड़ने का एक नतीजा था। लेकिन 10 दिन बाद मैंने फैसला किया कि नहीं, अपने लोगों के, अपने पेशे के लोगों के, अपने वर्ग के लोगों के, अपनी बिरादरी के लोगों को बुरा वक्त है, इस वक्त जरूर बोलना चाहिए, वरना गवर्नर रहने का कोई मतलब नहीं है।